आयत नंबर जी हमारी है आयत नंबर 168। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा तय्यिबा हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। या अय्युहन नासु, या ए लोगो, अय्युहन नास ए लोगो, कुलू खाओ। देखें काफिश कु लाम पेश लू कुलू, यानी कि एक खाओ। अगर ये वाव अलिफ होता है तो जमा के उसी के में आ जाता है। तो कुलू के तुम सब खाओ, मिम्मा उसमें से जो फिल अर्जी जो हलाल है और तैयब है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने हलाल भी खाना है और तैयब भी खाना है। और फिर अल्लाह ताला आगे हमें क्या कहते हैं, वला और ना करो, नहीं करो, ला नहीं, वा और तत्तबियू। इसमें ये जो ता आ रहा है ना, ये तुम से निकला है, तत्तबियू, तबा आ, तबा। ठीक है, तबा का क्या, इत्तेबा का तो पता है ना आपको, इत्तेबा। ठीक है, इत्तेबा क्या होता है, किसी की पैरवी करना, किसी के नक्शे कदम पे चलना। देखिए इत्तेबा और अतात में फर्क होता है। जो अतात होती है ना वो अल्लाह की होती है असल में। ठीक है, और इत्तेबा ये होती है कि आप किसी पर्सनैलिटी से इंस्पायर हो जाएं, इतनी इंस्पिरेशन हो जाए आपको कि आप जो है उसके नक्शे कदम पे चलना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमने इतना इंस्पायर होके किसी के नक्शे। अब इत्तेबा और अतात में क्या फर्क होता है, अतात ये है कि हम सजा और जजा का मामला रखते हैं। ठीक है, हमें पता है सजा और जजा का मामला है। ठीक है, अतात में ये आ जाता है, जैसे हम अल्लाह से डरते हैं कि अल्लाह ताला कहीं हमें जहन्नुम में ना फेंक दे, हम जहन्नुम की, तो इसमें सजा और जजा का मामला आ जाता है, इसमें आपका रिवॉर्ड भी आ जाता है, सारा कुछ आ जाता है। लेकिन जब हम किसी पर्सनैलिटी से इंस्पायर हो जाते हैं ना, जिसको इत्तबा का दर्जा करते हैं, तो फिर क्या होता है, हम ना इनडायरेक्टली और अनइंटेंशनली ना उसके कदमों पे चलना शुरू हो जाते हैं। जैसे सहाबा किराम का क्या तरीका था कि वो जैसे हजरत उसामा बिन जैद, ठीक है, हजरत जैद बिन हारसा के बेटे थे ना हजरत उसामा बिन जैद रिश्ता, छोटे से थे ना, उनके पेरेंट्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया था, तो वो ज्यादा उनकी ग्रूमिंग वहीं पे हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, तो वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालन में से कद्दू टटोल टटोल के खा रहे थे, तो हजरत जैद बिन हारसा ने, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू टटोल के खाए ना, उन्होंने भी अनइंटेंशनली वैसे खाना शुरू कर दिया, जैसे बच्चे नकल करना शुरू कर देते हैं। तो इत्तबा में ऐसे होता है। अब आप देखें यहाँ पे क्या है, खुतुवात शैतान, खुतुवात नक्शे कदम, अशैतान, तुम शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो। अब देखें दुनिया जो है ना वो आपको अट्रैक्ट करती है। हम देखें अनइंटेंशनली हम देख रहे होते हैं, हम वीडियोस देख रहे होते हैं, असल में वो वीडियोस जब हम देखते रहते हैं ना, वो हमें इंस्पायर करना शुरू कर देती है। और फाइनली ये होता है कि हमारे हेयर स्टाइल्स, हमारे गेटअप्स, हमारी हर चीज वैसी होना शुरू हो जाती है। हजरत अली रस्ता उन्होंने कहा था कि अपनी सोच का ख्याल रखो, सोच अल्फाज बन जाते हैं, अपने अल्फाज का ख्याल रखो, अल्फाज किरदार बन जाते हैं। सोच आती कहाँ से है, जो चीज हम देखते हैं ना वो हमारी सोच बन रही होती है, जो चीज हम सुनते हैं वो हमारी सोच बन रही होती है। आप ये मत कहें कि आप एक मूवी देख रहे हैं या आप एक ड्रामा देख रहे हैं जिसके अंदर ना महरम लोग हैं और आप हिदायत याफ्ता हो जाएंगे, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। उल्टा आप उन लोगों से इंस्पायर होंगे, उनकी डिफरेंट स्टोरी से इंस्पायर होंगे, सास बहू के ड्रामों से इंस्पायर होना शुरू हो जाएंगे, और आपको लगने लगेगा शायद आपके इर्द गिर्द का माहौल भी ऐसा ही है, तो आपके दिल की कैफियत बदलेगी। तो इसी तरीके से कुरान भी जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिल की कैफियत पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। लेकिन जब हम इस तरह से देखें, दुनिया के जितने ड्रामास बुक्स हैं वो तो किसी इंसान ने लिखी है ना, अगर इंसान है तो उसका अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन एक वो अल्लाह है जो कि हमारी नेचर जानता है, जिसने औरत भी बनाई, मर्द भी बनाया, जिसने जो है बेटा बनाया, बेटी बनाई, उसको पता है हमारी नेचर कैसी है। ठीक है, अगर मैं औरत होके इस कुरान को इंटरप्रेट करूंगी तो मेरी इंटरप्रिटेशन कुछ और होगी, मेरी मर्द की एज मर्द मैं कुछ कुरान को कुछ और तरह से इंटरप्रेट करूंगी, लेकिन कोई एक जात है ना जो कि हम सबकी नेचर जानती है, उसको पता है कि कुरान जो है यानी कि हमें किन रूल्स के ऊपर रखना है। अब अल्लाह ताला खुद हमें कह रहे हैं, उन अल्लाह ताला को पता है कि हमारे साथ एक नफ्स है। ठीक है, और नफ्स बेसिकली क्या करता है कि आपको फुसलाता है कि भाई ये कर लो, इसमें थोड़ा सा मजा आता है, और हमें जो है खा ले पी ले जी ले की जिंदगी के ऊपर वो डाल देता है। पीछे क्या आ रहा है, हलालन तय्यिबा।
पहले तो हलाल भी खाना और तैयब भी खाना। पहले तो बात ये है कि हर हराम से बचना। हराम क्या चीज है? कुराने मजीद के अंदर अगर और अहदीस के अंदर देखें तो अल्लाह ताला ने हर चीज हलाल बनाई है। चंद एक चीजें जो हराम है, अल्लाह ने पूरी दुनिया हलाल बनाई है। कुछ चीजें हैं जो हराम है और हम उन हराम से नहीं बच सकते। खाने में तो फिर हम किसी हद तक हराम से बच जाते हैं, लेकिन वो भी ये है कि जो जानवर हराम है वो हम नहीं खाते, लेकिन माल के मामले में हम हराम से नहीं बचते। पहली बात ये कि माँ कौन कौन से ऐसी ऐसे जो है हमारे जिसे कहना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी सिवाय हराम जो जानवर के, ऐसी कौन कौन से चीजें हैं जो कि हम हराम खाते हैं? हम माल हराम, ठीक है, माल में हम बहुत ज्यादा हराम खाते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। बाज़ औकात माल बेचते हुए, बाज़ औकात जो है एक दूसरे का बहन भाई हक खा रहे होते हैं, जायदाद की तकसीम, ये सब हराम। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, और हम हराम कैसे खाते हैं? हम हराम खाते नहीं है, हम हराम सुनते भी हैं और हम हराम देखते भी हैं, ठीक है। अब क्या करना है? इन सारे हराम जो है ना चीजें, इन पे स्टॉप लगाना है। जो जो हम हराम देख रहे हैं, जो हम हराम सुन रहे हैं, अनइंटेंशनली सुन रहे होते हैं ना, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां कहीं ना कहीं ये चल रहा। फॉर एग्जाम्पल, म्यूजिक हराम है, आईब्रोज बनाना गलत है, ठीक है, जहन्नमी औरतों की निशानी है, नहीं बनानी, चाहे किसी की भी शादी आ जाए, नहीं बनानी भाई, ठीक है। यही तो सारी चीज है कि हमने हर तरह के हराम काम से बचना है। हम समझ रहे होते हैं सिर्फ उस जानवर को नहीं खाना जो कि हराम है, हालांकि माल के मामले में हम हराम खा रहे हैं, देखने के मामले में हम हराम देख रहे हैं, सुनने के मामले में हम म्यूजिक सुन रहे हैं। अगर कुरान पढ़ने के बावजूद मैं बदल नहीं रही, तो इसका मतलब यही है कि मेरा फिर दिल बहुत सख्त है। सबसे पहले हमें ये सोचना ये कि हमने हर तरह के हराम से बचना, ये दीन का स्टेप है। फिर उसके बाद तैयब भी खाना है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं खानी। क्यों? क्योंकि जो लागर मोमिन, जो एक सेहतमंद मोमिन है, वो लागर मोमिन से ज्यादा बेहतर है, ठीक है। हदीस का मफहूम है ना कि सेहतमंद मोमिन लागर मोमिन से ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि हमने करना दीन का काम, और कोई भी काम करने से पहले, यहाँ तक कि नमाज भी पढ़ने से पहले, आपको क्या चाहिए होती है? आपको अच्छी सेहत चाहिए, ठीक है। आपकी सेहत अच्छी होगी, आपको सब अच्छा लगेगा, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप एनर्जेटिक हो, ठीक है। तो इस वजह से हमने तैयब खाना है, हमने अपने गुर्दे, मैदे और किडनीज जो है वो खराब नहीं करने, ठीक है। तो अगर हम आज अपनी सेहत का ख्याल रख लेंगे, ये सोच के कि अभी तो हमने बहुत काम करने हैं, तो इनशाला इनशाला अल्लाह ताला हमसे और भी बहुत सारे काम करेगा, क्योंकि इस जिस्म का भी हमने अल्लाह ताला को हिसाब देना है। अल्लाह ताला पूछेगा कि इस जिस्म को कैसे रखा था, कहाँ पे लगाया था, मतलब तुम जो है ये जो रिस्क मैंने तुम्हें, जिस्म रिस्क है ना, तो हमने इसको कैसे यूज किया, ये हमें देखना होता है। आगे हम चलते हैं। और तुमने पैरवी नहीं करनी खुदवाते शैतान। देखिए, जब आपकी सेहत खराब होती है ना, आप चिड़चिड़े होते हैं। जब आप चिड़चिड़े होते हैं, आपका ना सब्र का जो एक लेवल होता है ना, पैमाना नीचे आ जाता है। सेम इज द केस विद हराम। जब आपके पेट में हराम आ जाता है ना, तो फिर आप जस्टिफिकेशन देते हैं। जैसे मैंने अभी किसी को बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो इस्लाम में अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आगे से वो पूरे पूरे नहीं जी, वो फलाने ने फतवा दे दिया और ये वो, तो जो चीज हराम है वो हमने नहीं खाना, सूद हराम है हमने नहीं करना, हमने तिजारत में हराम नहीं खाना, ठीक है। अगर आप, आपको नहीं पता था और आप उस तिजारत में पड़ गए और आपको बड़े प्रॉफिट्स हो रहे हैं, हराम तो लग गया ना। अब आपको, जब आपको प्रॉफिट्स होते हैं, फिर आपको फतवे याद आ जाते हैं। भाई आपने पहले उसके अंदर एंटर होने से पहले देखना था ना कि मैं एक काम करने जा रही हूँ, क्या ये हलाल भी है या नहीं है। बेशक इसके अंदर प्रॉफिट्स बहुत है, प्रॉफिट तो हलाल माल में भी बहुत है, लेकिन क्या होता है कि हमें हराम अट्रैक्ट कर रहा होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि तुमने खुतुआती शैतान पे नहीं चलना। अब वो देखे ना, पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई, एक लड़की थी, वो कोई टिकटॉकर थी, उसने कोई अपनी फ्रेंड की उस पे गई और उसने थ्रू टिकटॉक पता नहीं कितने मिलियंस अर्न कर लिए। असल में उसका रिस्क लिखा जा चुका था, लेकिन उसने जो अडॉप्ट किया ना वे, वो नेगेटिव था, वो शैतानी था, वो खुदवाते शैतान था कि डांस करके उसको इतने पैसे मिल गए। यकीन करें, अल्लाह ताला ने उसका ये रिस्क लिखा हुआ था। अगर वो पॉजिटिव किसी हक रास्ते पे चलती और वो छक्के लग जाते हैं ना, अक्सर हम कहते हैं ना किसी का छक्का लग गया, अल्लाह देने वाला ना, अल्लाह ने उसकी लिख दी थी कि इसको इसको मिलना ही मिलना है, लेकिन रास्ता उसने खुद अडॉप्ट किया था,
ठीक है, तो रास्ता उसने क्या अडॉप्ट कर लिया, उसने जो है वो एक टिकटॉक, एज अ टिकटॉक गर्ल का जो है वो, अल्लाह ताला ऐसे रास्तों से बचाए, इन्नहुलकुम अदुव मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो शैतान के रास्तों पे चलोगे तो फिर शैतान ही मिलेगा ना, तो वो तो हमारा खुला दुश्मन है, कहीं ना कहीं वो अपनी दुश्मनी हमें जरूर दिखाएगा। हम शैतान के रास्तों पे जितना मर्जी चल रहे, एंड पे नुकसान हमारा ही होता है। देखिए, शैतान ने अल्लाह ताला से वादा किया था ना कि जब जब तेरा बंदा तेरे रास्ते पे चलेगा तो मैं उसको भड़काऊंगा और मैं आऊंगा आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। तो आप डांस कर रहे हैं ना, उस वक्त शैतान नहीं आएगा, उस वक्त वो जो है ना, जो हराम काम आप कर रहे हैं उस वक्त आपके साथ सिर्फ एक शैतान है। लेकिन अगर आप नेक काम कर रहे हैं, आज आपने दीन में कदम रख दिया, अब तो शैतान आएगा आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, अब तो पूरा टोला आएगा आपके आगे पीछे। अभी आप सिर्फ नमाजें शुरू करें, उसके बाद देखें होता है क्या। ठीक है, तो सिर्फ नमाजों की मैं बात कह रही हूँ कि शैतान को पता है, इसने अगर स्टेप रख लिया ना कुरान, आज आपने कुरान के रास्ते पे स्टेप रख लिया ना, सुकून मिलने लग गया ना, ये इस स्टेप तक शैतान आपको तंग कर रहा था, अभी और भी करेगा। लेकिन क्या है कि हजरत उमर रस्तालानु जो है उनके बारे में कहा जाता है ना, वो जहां से गुजरते थे वहां से शैतान भाग जाता था। तो अपना ईमान का लेवल इतना हाई करे ना कि शैतान भाग जाए। जैसे शेख अब्दुल कादिर जलानी है, उनके सामने एक दफा एक बुजुर्ग हाजिर हो गया और उन्होंने कहा, ऐ शेख अब्दुल कादिर जलानी, तेरी तो सारी नमाजें माफ होगी, तूने तो इतनी इबादत कर ली। तो शेख अब्दुल कादिर जलानी ने एकदम से लाहौल अवला कुत अल्ला बिल्लाजीम पढ़ा, आउजुबिल्ला पढ़ी, और लेफ्ट साइड पे थूका तो वो शैतान था, वो चीख मार के गायब हो गया। ठीक है, तो अब आप देखें ना कि हमने फिर अपना लेवल इतना बढ़ाना है, हमने बार बार ये दुआएं पढ़नी है, आउज़ बिल्ला, ताऊज, माउज तैन, और फिर इसके अलावा जो है वो रब्बी आउज़ बिका मिन हमज़ाति शयातीनी व आउज़ बिका रब्बी अय्यहज़ुरून। ठीक है, ये हमने बार बार पढ़ना है क्योंकि शयातीन तो अब हाजिर होंगे हमारे आगे पीछे, लेकिन बचाएगा हमें कौन, हमें तो अल्लाह बचाएगा। ठीक है, तो इस वजह से अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि पहली बात ये, तुमने हलाल और पाकीज़ा, यानी कि पहले अपना माल तुमने पाक करना है। ठीक है, पहले तुमने अपनी नजर पाक करनी है, पहले तुमने अपनी हेयरिंग पाक करनी है, ये जो तुम सुन रहे हो ना, ये सारा कुछ तुमने पाक करना है। ठीक है, तो हलाल खाओ, जब हम हलाल खाएंगे ना तो हलाल देखेंगे भी, हलाल सुनेंगे भी। लेकिन वही बात है ना, आबे जमजम में एक कतरा पेशाब का आ जाए तो पूरा आबे जमजम पलीद हो जाता है, आपके या मेरे माल में एक कतरा हराम का आ गया ना तो हमारा पूरा माल ना पाक है। अब हम उस माल से बेशक सारी उम्र सदके करते रहे, उस माल का कोई फायदा नहीं। ठीक है, मैं लिटरली मैंने अभी रिसेंटली किसी को देखा, वो बता रहे थे कि उन्होंने पता नहीं कोई वो सबील लगाई हुई है जहाँ पे वो रोटियां डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एक बहन उनकी थी, उसको तो उन्होंने जायदाद में हिस्सा दिया नहीं, तो वो जो उस बहन की जायदाद का हिस्सा वो तो उस भाई के माल में आ गया, और भाई का माल तो नापाक हो गया। अब वो बेशक हजारों रोटियां बेचता रहे या हजारों रोटियां वो फ्री में लगा दें, ऐसी हजार रोटियों का क्या फायदा है, क्योंकि वो एक हराम माल से जो है वो रोटियां तकसीम की जा रही हैं, वो सदका एक हराम माल से हो रहा है। तो सदकात भी आपके जो है ना वो पाक माल से ही कबूल होने हैं, वो हराम माल से कबूल नहीं होने। तो कबूलियत का एक लेवल है, अल्लाह ताला को हमारे बहुत सारे अमाल नहीं चाहिए, अल्लाह ताला को हमें हमारे प्योर अमाल चाहिए। ठीक है, जैसे हम बाजार में जाते हैं ना, हमें कपड़ा जब हम शिफून खरीदनी होती है, हम क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं मुझे प्योर शिफून चाहिए, कहते हैं ना हम। तो अल्लाह ताला को भी हमारे प्योर अमाल चाहिए, हम फिर टूटे फूटे अमाल के साथ, हराम माल के साथ फिर हम सदकात क्यों करते हैं, ये हमारे अमाल है। यानी कि हमने तावीलें जरूर करनी है। ठीक है, तो फिर आगे अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि इन्नमा बेशक या मुरुकुम, या का मतलब वो आमारा, इसका रूट वर्ड है कुम, तुम्हें, वो तुम्हें हुक्म देता बिसुई बुराई का, वल फहशाई और बेहयाई का, वा अन तकुलू अलल्लाही मा ला तालमून, और अन ये के तकुलू ता तुम कुलू कहो, वावलिफ सब कि तुम सब कहो अलल्लाही अल्लाह पर, माला वो बातें वो नहीं जो तालमून तुम जानते, और यहाँ तक कि वो वाली बातें तुमसे उगलवाना शुरू कर देगा, यहाँ तक तुम्हें लेके आएगा कि तुम वो बातें करने लग जाओगे शैतान और शैतानी रास्ते और हराम के डिफेंस में, जैसे मैंने अभी आपको कहा, बताई कुछ सिचुएशन,
कुछ के हम फिर वो बातें करते हैं जो हम नहीं जानते, यानी कि हम अपनी बुराई को डिफेंड करना शुरू करते हैं। और एक और चीज यहाँ पे देखें कि वो तुम्हें हुक्म देता बुराई का और फहाश का, ठीक है, बेहयाई का, ठीक है। देखें, जब भी इंसान बुरा होता है ना तो उसके अंदर से हया जाती है। हजरत आदम अलैहि सलाम और हजरत अम्मा हवा का वाकया देखे ना, कि जब उन्होंने जन्नत का फल खा लिया था जो कि अल्लाह ताला ने मना किया था, देखिए पूरी की पूरी जन्नत हलाल बनाई थी, अल्लाह ताला ने कहा था ये एक फल तुमने नहीं खाना, और वो शैतान के बहकावे में आ गए थे और उन्होंने वही फल खा लिया। यानी कि इंसान की फितरत है, उसको जिस चीज से मना किया जाए वो वही जाता है, ठीक है। एक फल था, पूरी जन्नत इंसान के लिए बनी थी, लेकिन उन्होंने जब ये खाया तो फिर क्या हुआ था, नेक्स्ट क्या हुआ था, उनके कपड़े उतर गए थे, ठीक है। तो जब हम भी बेहया होते हैं, जब हम बुराई करते हैं ना, तो उसके बाद नेक्स्ट वार जो होता है ना हमारी क्लॉथिंग पे होता है, हमारा शेफून का जो दुपट्टा होता है, हमारे शेफून के जो कपड़े होते हैं वो किससे स्टिक हो जाते हैं ना कम जिस्म के साथ, ठीक है। हमारे वो जो बाजू होते हैं वो पूरे नंगे होते हैं, बेशक आप फुल स्लीव ही सिलवा लें, लेकिन वो इतने बारीक होते हैं कि उनके अंदर से आपका पूरा जिस्म नजर आ रहा होता है। तो जब इंसान बुराई करता है तो अगला अटैक आपके लिबास पे हो, ठीक है। तो पहले आपने बुराई की, कोई छोटी से छोटी बुराई, अगला लिबास के ऊपर अटैक होना ही होता। फिर हम वही वाली बातें करते हैं ना, जैसे यहाँ पे कहते हैं कि फिर और ये कि तुम सबको शैतान तुम्हें वर्गलाएगा कि तुम वो फिर वो वाली बातें करो जो तुम सब इल्म नहीं रखते, यानी कि फिर हम कहते हैं पर्दा तो खिरजी नजर का होता है ना, अमाल का दार मदार तो नियतों पर है, और फिर मेरी नीयत साफ है ना, फिर इस नीयत साफ है इसलिए मैं झूठ भी बोलूँ तो वो जायज है। तो हम फिर रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस करते हैं कुरान की भी और हदीस की भी। देखिए दीन अल्लाह ताला का है, इसकी इंटरप्रिटेशन वैसी ही है जैसी अल्लाह ताला ने हमें कही है। आपके या मेरे हिसाब से नेकी चेंज नहीं हो जाएगी, नेकी वही नेकी है जो अल्लाह के यहाँ नेकी है, सदका वही कबूल है जो फार्मूला अल्लाह ताला ने बताया कि ये हलाल होगा तो मैं सदका कबूल करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ठीक है। तो इस वजह से हमें हर बुराई से बचना है, हमें हर नापाकी से बचना है, हमें हर जो है इस तरह कोई ऐसा काम, कोई ऐसा माल, जाहिर बात है माल आएगा हमारे जो है हराम आएगा तो हम हराम खाएंगे ना, और जब हम हराम खा लेंगे तो ऑब्वियसली हम खुदुआते शैतान भी हो जाएंगे, और जब हम खुदुआते शैतान हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, उसके बाद हम यही करेंगे ना कि हम दीन में तावीलें करेंगे, माननी हमने खुद नहीं है और फिर बातें हमने दूसरी दूसरी कर ली, फिर हम ये कहते हैं नहीं जी हम मॉडरेट इस्लाम पे बिलीव करते हैं। मेरी रिसेंटली अभी एक ना खातून से मुलाकात हुई, और वो ना कन्वर्टेड क्रिश्चियन, कन्वर्टेड मुस्लिम है, क्रिश्चियन थी वो पहले। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा आप मुझे ये बताएं, और वो पाकिस्तानी नहीं है, शी बिलोंग्स टू यूक्रेन आई थिंक, यूक्रेन या बेसिकली वो उसी साइड की हैं, तो वो वहां से आई हुई हैं और उनकी पाकिस्तानी किसी मर्द से शादी हुई है, तो वहां पे वो तो अब हुआ ये कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा आपने जब कन्वर्ट हुई, अभी माशाल्लाह वो बहुत अच्छी उर्दू बोल लेती हैं, तो मैंने उनसे पूछा ये आप इतनी अच्छी उर्दू, मैं तो आपको पठान समझ रही थी इतने अरसे से ना, कहती नहीं मैं पठान नहीं हूँ, मैं क्योंकि वहां से आई हूँ इस वजह से उर्दू बोलने में मैं ऐसे बोलती हूँ जैसे कोई पठान बोलता है ना। तो मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा आप मुझे ये बताएं आप जब इस्लाम में कन्वर्ट हुई तो कैसा फील हुआ आपको, कहती बहुत आसान दीन है, बहुत आसान दीन है, हमारे वाला जो क्रिश्चियनिटी थी वो तो बहुत मुश्किल थी, इस्लाम तो इतना आसान है कि मुझे मेरे अंदर ना पीस आ गया, और मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे नहीं रोका, कहती मैं जाती हूँ मैं अपने पेरेंट्स से मिलने जाती हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड ने भी कभी मुझे नहीं रोका। तो दैट इज द बेसिक, देखिए जो कन्वर्टेड मुस्लिम होता है ना वो आपको असल में बताता है कि उसको इस्लाम की सबसे खूबसूरत चीज क्या लगी, और हम क्या कहते हैं नहीं नहीं मॉडरेट इस्लाम, ठीक है ना 3 में ना 13 में, पूरे के पूरे 3 में तो हमने दाखिल नहीं होना ना, हमने मॉडरेट इस्लाम पे बिलीव करना है, लेकिन अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को चुना ऐसे, ठीक है, तो हमने तुम पे तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और इसको इसका नाम मतलब इस दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए चुना। तो अब आप खुद बताएं ना कि फिर हम क्यों दूसरों के दीन पे हैं, हम क्यों वेस्ट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, क्यों हम उनकी किताबों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, क्या हमारा अपना सिलेबस नहीं है, कि हमारी क्या अपनी आइडियोलॉजी नहीं है, क्या हमारे अपने नजरियात नहीं है, क्या हमारा अपना इस्लामिक कल्चर नहीं है, हमारी किताबों में कहाँ है इस्लामिक कल्चर, ठीक है हमारी अदालतों में कहाँ है इस्लाम, कहीं पे भी तो नहीं है, हमारे घरों में कहाँ है इस्लाम, हमारी ट्रेडिशंस में कहाँ इस्लाम है।
तो बेसिकली हमने इस्लाम को प्रमोट करना है, इस्लाम को नाफिज करना है, ताकि हम इन खुतुआते शैतान से बच सके। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।